एवरीवन, जो अपना होमवर्क क्वेश्चन था अपन उसको फटाफट ड्रॉ करेंगे। क्या बोला आपसे कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। थोड़ा उटपटांग सा फंक्शन है, ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको मैंने तीन चीज बता रखी थी। पहली चीज क्या होती थी कि आपको डोमेन निकाल लेना चाहिए फंक्शन का। जैसे ही आपके सामने डोमेन आ जाएगा तो आप निकाल लो कि वो इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब है। तो सिर्फ इंक्रीजिंग का चेक करो, डिक्रीजिंग अपने आप आ जाता है। तीसरा आता है वैल्यूज एट क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं? खोपड़ी में घुसा होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में आता है क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स नाम का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। क्या होता है? जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है और या तो डेरिवेटिव जीरो है या तो नॉट डिफाइंड, खत्म। बस डेरिवेटिव के ऊपर ही बनता है क्रिटिकल पॉइंट। जहाँ पे डीवाई बाई डीएक्स जीरो है या नॉट डिफाइंड है, वो क्रिटिकल पॉइंट है। इसके अलावा आपको कहाँ पे वैल्यू निकालनी है? प्लस माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। इसके अलावा आपको कहाँ पर वैल्यू निकालनी है? असिम्प्टोटिक पॉइंट्स पे। असिम्प्टोटिक पॉइंट्स ये थोड़ा अपन ने कल ही जोड़ा था, बस ये तीन पर निकालनी है। तो मैं इसका डोमेन निकाल लेता हूँ। डोमेन आपको दे रखा है क्वेश्चन में x पॉजिटिव, ठीक है ना। क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, मेंशन है कि x पॉजिटिव ही रहेगा। और बेसिकली अगर आपको डोमेन निकालना भी हो तो आप क्या बोल सकते हो, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर हो सकती है, क्योंकि आप नंबर के ऊपर नंबर चढ़ाओगे तो वो हमेशा डिफाइंड होगा, अनलेस अंटिल वो नंबर जीरो हो, क्योंकि जीरो की पावर जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। याद आ रहा है आपको? अच्छा ठीक है। तो आपका जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा? डोमेन आ जाएगा इसका ऑल रियल नंबर, लेकिन आपको ऑल रियल नंबर पे ग्राफ नहीं बनाना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे बनाना है। इसमें जीरोस तो इंक्लूडेड है, तो डोमेन यहां पर अपन कुछ भी लिखेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप डोमेन के अलावा इतना लिख दो कि वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर जस्ट एक्स पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव के लिए ही ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। फिर अपन डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे इसका और उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। तो मान लो कि ये आपके पास वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स है ना, एक्स की पावर एक्स है। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको अगर, तो आप कैसे निकालेंगे बताइए? याद नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन मेरे को याद रहता है, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आइटम को क्या लिख सकते हो? e की पावर में ln आइटम, e की पावर में ln आइटम, है ना। जब भी आपको फंक्शन की पावर फंक्शन आता था तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हो? ऐसे लिख के। और ये जो पावर है वो पीछे आ जाता है लॉग के। अब देखिए क्या लिखा है आपके सामने, e की पावर लफड़ा। तो y डैश क्या हो जाएगा? e की पावर लफड़ा, और ये वाली चीज क्या होती है? एक्स की पावर एक्स के बराबर ही होती है, इनटू ये इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो क्या आ जाएगा? ln x प्लस 1। और ये वाली चीज क्या आ जाएगी? x की पावर x ही आ जाएगी, तो x की पावर x इनटू 1 प्लस ln x। ये आ जाएगा आपके पास dy by dx। आपको चेक करना है कि dy by dx कब पॉजिटिव है, सही है क्या? dy by dx आपको चेक करना है कि कब पॉजिटिव है। तो जब ये वाली जो आइटम है बाहर वाला, x की पावर x जो आइटम है वो तो पॉजिटिव ही है, और पॉजिटिव आइटम को आप इनइक्वालिटी से हटा सकते हो। देखो ये आइटम पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि आपको x पॉजिटिव बोल रखा है। पॉजिटिव नंबर की पावर में पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर की पावर में पॉजिटिव, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो आप इसको इनइक्वालिटी से हटा दो, सिंस इट इज पॉजिटिव। आपके पास क्या बचेगा? 1 प्लस ln x इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो 1 प्लस ln x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या आ जाएगा कि ln x is greater than minus 1, okay? ln x is greater than minus 1, तो यहाँ से आ जाएगा x is greater than, अच्छा, log inequality आ जाना, base में क्या है? e, base क्या है? 1 से बड़ा है, 1 से छोटा? 1 से बड़ा, तो inequality will not be affected, e की power minus 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x is greater than 1 by e, मतलब x जब 1 by e से बड़ा होगा, तब जाके वो function का derivative positive आएगा, मतलब 1 by e के आगे function increasing होगा, तो ये point बोल रहता हूँ मैं, 1 by e, इसके आगे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इसके पीछे डिक्रीजिंग होगा, जाहिर सी बात है बचा हुआ इलाका वहां पे डिक्रीजिंग होगा। फिर अपने को क्या करना है? वैल्यूज एट क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? जो अपन ने नंबर लाइन पे मार्क किया है वो वाला पॉइंट। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? नंबर पे मार्क किया वो वाला पॉइंट, और ये इसकी डोमेन में एक पॉइंट नहीं आता है। कौन सा पॉइंट नहीं आता है? जीरो नहीं आता, क्योंकि जीरो की पावर जीरो अलाउड नहीं है। तो अपने को वैल्यू क्या निकालनी है क्रिटिकल पॉइंट पे? तो मैं f ऑफ 1 बाई ए निकाल देता हूँ। 1 बाई ए पर वैल्यू क्या आ जाएगी?
फंक्शन क्या है? फंक्शन है x की पावर x, दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां 1 बाई ई रखते, तो ये 1 बाई ई की पावर में 1 बाई ई ये आ जाएगा। तो जब x 1 बाई ई है तो y क्या आएगा? 1 बाई ई की पावर में 1 बाई ई। कूल, ठीक है। कहां निकाले और अपन? क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल दिया अपन ने, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है, डेफिनेटली यहीं पे जीरो होगा, वो अपन धीरे धीरे सीखेंगे। बट आपको मैंने सिंपल बता दिया, नंबर लाइन पे जो मार्क हो वहां पे निकाल दो फंक्शन वैल्यू, फिर प्लस माइनस इन्फिनिटी पे निकाल दो। और असिम्प्टोटिक पॉइंट्स, असिम्प्टोटिक पॉइंट्स को अपन नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट्स भी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट्स। अच्छा, ये वाला फंक्शन जो है वो जीरो पर डिफाइंड नहीं है, है ना, तो अपन को जीरो पे वैल्यू निकाल लेना चाहिए। तो मैं पहले एफ ऑफ जीरो निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैं अगर एफ ऑफ जीरो निकालूंगा तो क्या आएगा? जीरो की पावर में जीरो, दिस इज इनडिटरमिनेंट, इनडिटरमिनेंट। अब अपन ने लिमिट चैप्टर में जीरो की पावर जीरो को सॉल्व करना सीखा है ना, और अगर नहीं भी सीखा है तो यहाँ पे सिखा देता हूँ मैं आपको। कभी भी आपके पास जीरो की पावर जीरो का लिमिट आ जाए तो आप क्या करें, उस लिमिट को, ये इनडिटरमिनेंट है तो लिमिट से निकालना पड़ेगा आपको। तो लिमिट किसका निकालना है? एक्स की पावर एक्स का। कब निकालना है? जब एक्स जीरो हो। अब ये लिमिट लगा दिया मतलब अपन एग्जैक्ट जीरो पे तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, जीरो प्लस एच पर निकाल लेंगे। जीरो माइनस एच पे तो जाने ही नहीं है, नेगेटिव नंबर तो अपने को बोले ही नहीं ना करने को, सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे अपने को डील करना है। तो देखिए खटाक से हो जाएगा ये। जब भी आपको जीरो की पावर जीरो मिले तो मेरी बात याद रखना आप, है ना, क्या कि इस लिमिट का आंसर जो है उसको आप एल मान लो। लिमिट के आंसर को क्या मान लो आप? एल मान लो। और लिमिट के आंसर को एल मानने के बाद आप दोनों तरफ लॉग ले लो, ठीक है, टेक एल एन ऑन बोथ साइड्स। सीखो इसको, है ना, आप सीखना, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सिखाने के लिए बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा हो तो ऐसा करो, है ना। ये अपन ने लिमिट के चैप्टर में भी देखा है। तो दोनों तरफ एल एन ले लिया अगर, तो एल एच एस में एल एन मतलब एल एन ऑफ लिमिट इज इक्वल टू एल एन ऑफ एल। अब ये लॉग जो है वो लिमिट के अंदर घुसा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट को बाहर कर दो। लिमिट को बाहर कर दो एक्सटेंडिंग टू जीरो और अंदर एल एन घुसा दो, तो एल एन एक्स की पावर एक्स, दिस इज इक्वल टू एल एन ऑफ लिमिट का जो भी आंसर आएगा अपने को, ये स्मॉल एल का वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ रही? अच्छा, ये पावर है, पावर पीछे आ जाएगा, एक्स एल एन एक्स, दिस इज इक्वल टू एल एन एल। ओहो सर, पहले इंडिटरमिनेंट फॉर्म जीरो की पावर जीरो का था, अब मैंने लिमिट अगर रखा तो देखो हर कोई बच्चा यहाँ पे रखो जीरो इंटू एल एन जीरो। एल एन जीरो कितना होता है? एल एन का ग्राफ तो अभी तक रट गया होगा अपने को, ये होता है एल एन जीरो मतलब माइनस इन्फिनिटी पाताल लोक। तो ये लिखा आपके सामने माइनस इन्फिनिटी और ये जीरो, जीरो इंटू इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, माइनस को हटा दो, जीरो इंटू इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को मैं जीरो बाय जीरो बना सकता हूँ या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बना सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। बच्चों आपको याद है ना मैंने ये क्या बोला था, ये वाला जो जीरो है इसको आप क्या लिख दो, वन बाय इन्फिनिटी लिख दो, इस जीरो को वन बाय इन्फिनिटी लिख दो और इसको माइनस इन्फिनिटी लिख दो, ये बन गया आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अगर आपको जीरो बाय जीरो बनाना होता तो इस इन्फिनिटी को आप वन बाय जीरो लिख देते और ये वाला जीरो तो एज इट इज है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। आई विल प्रेफर दिस वे क्योंकि लॉपिटल लगाना थोड़ा ज्यादा आसान होगा। तो देखिए जो जीरो वाला पार्ट है उसको उल्टा करके लिख दो आप, तो ये x को आप उल्टा करोगे अगर तो क्या आ जाएगा, ln x तो ऊपर ही है, ये x नीचे जाके 1 बाय x बनेगा, कुछ चेंजेस नहीं हुए, बस इतना ही हुआ अभी। हाँ जी, तो ये लिमिट सॉल्व करना बस अपने आप में एक टास्क हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसमें लॉपिटल लगा देंगे बस। अब ये इन्फिनिटी बाय जीरो का फॉर्मेट नहीं है, नाउ दिस इज जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट, पहले जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट था, अब जीरो बाय जीरो का। देखो अपन ने जीरो की पावर जीरो को ये बनाया और इसको ये बनाया, मतलब दुनिया में कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो सब के सब आखिरी में जीरो बाय जीरो बनाए जा सकते हैं या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनाई जा सकती है। समझ में आ रहा है क्या? अब अपन लॉपिटल लगा लेते हैं। तो लॉपिटल लगाएंगे तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन बाय एक्स, और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। और लॉपिटल लगाने के बाद भी लिमिट रखना पड़ता है, तो ये 1 बाय एक्स और 1 बाय एक्स कट जाएगा एक, और ये x उचक के ऊपर आ जाएगा तो माइनस एक्स आ जाएगा। बात समझ में आ रही? गुड, ये माइनस एक्स का वैल्यू आ जाएगा ln l के बराबर।
चलो भाई बहुत ही अच्छी बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब x का वैल्यू जीरो रख दो, जीरो रख दोगे अगर x का वैल्यू, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो इज इक्वल टू एल एन लफड़ा, है ना। तो लफड़ा अगर एल एन लफड़ा जीरो है, तो इसका मतलब लफड़ा डेफिनेटली वन रहा होगा, क्योंकि एल एन वन ही तो जीरो होता है, लॉग वन जीरो होता है, तो लफड़ा वन होगा। मतलब अब जाके अपने को क्या समझ में आया कि जीरो पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आ रही है, वन। जीरो पर वैल्यू जो आ रही है वो वन आनी चाहिए। ग्राफ अपन बनाएंगे अभी, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एफ ऑफ जीरो प्लस इज इक्वल टू वन। क्लियर है सबको? थोड़ा सा लॉग वाला पार्ट जो था वो मुश्किल था, लेकिन फिर भी इतना ही मुश्किल नहीं था कि जान निकल जाए। ठीक है, तीन बच्चों ने मेरे को इसका होमवर्क मेल किया था, एक का ग्राफ सही था जहां तक मेरे को याद है। मैं कल चेक कर रहा था रात में सोने से पहले, तो आप लोगों की मेल चेक कर रहा था मैं, तो दो लोगों के आए थे, एक का सुबह आया था। थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक था, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से ट्राई किया। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। देखो इधर, जीरो पर वैल्यू क्या आएगा, जीरो पर वैल्यू वन आएगा, वन, है ना। तो ये रहा आपका जीरो, और ये आएगा इस पर वैल्यू वन। वन पे हॉलो लगाया मैंने, क्यों लगाया हॉलो, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो पे एग्जैक्ट वन नहीं आ रहा है, जीरो से थोड़ा आगे जा रहे हैं ना, तब जाके बना रहा है। अब आपको एक पॉइंट दिया गया है वन बाय ए, इसके बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसके पहले डिक्रीजिंग, मतलब यहां से ऐसा गिरेगा फिर ऐसा उठ जाएगा, बस ये रफ एक तरीके से स्केच है। लेकिन वन बाय ई पर क्या वैल्यू आ रही वो देख लेते ना। वन बाय ई पर वैल्यू आ रही पॉजिटिव, वन बाय ई की पावर वन बाय ई पॉजिटिव है, तो मतलब यहां कहीं मान लेते हैं अपन वन बाय ई की पावर वन बाय ई, ठीक है, ऐसे मान लेता हूं मैं। तो ये ग्राफ आपका यहां से यहां तक गिरेगा और फिर इसके बाद ऊपर चढ़ेगा। अच्छा, इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या आएगा वो मैंने निकाला नहीं है, बट एक्चुअली क्या है ना, इन्फिनिटी पर वैल्यू अपने को पता है, एफ ऑफ इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की पावर में इन्फिनिटी। ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म थोड़ी है ये, बहुत बड़े नंबर की पावर में बहुत बड़ा नंबर डाल दिया तो भाई वो तो राक्षस जैसा नंबर हो जाएगा, है ना। तो ये तो डायरेक्टली पता है आपने को, दिस इज नथिंग बट और भी बड़ा वाला इन्फिनिटी। तो ये आपको पता है कि इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी चढ़ना है अपने ग्राफ को, दिस इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। ठीक है, कितने लोगों का सेम ग्राफ बना था अगर आपने ट्राई किया था तो बताइए। अच्छा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूंगा, तो ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, वन बाई ई की, वन बाई ई से लेकर वन बाई ई की पावर में वन बाई ई, है ना। टाइप करके बताओ, जल्दी से टाइप करके बताओ कि ये वाला फंक्शन जो है वो वन वन है या मेनी वन है, बताओ, इज दिस फंक्शन वन वन और मेनी वन। और इसका रेंज भी लिख के बता दो, रेंज लिख के बता दो इसका, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। तो फंक्शन वन वन है या मिनी वन है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दो है ना। फंक्शन इज वन वन और मिनी वन, ठीक है। वन वन को अपन क्या बोलते थे प्यार से, इनटू, और मिनी वन को क्या बोलते थे, नॉट इनटू, ऑन टू मत बोल देना, है ना, नॉट इनटू। ऑन टू बोलने पे क्या रिटार्ड अलर्ट आ जाएगा, रिटार्ड अलर्ट, समझते हो ना आप। दिस इज अ मेनी वन फंक्शन, ग्रेट। अब एक और चीज बताइए, इसका रेंज क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा सबसे मिनिमम वैल्यू ये, है ना। मिनिमम वैल्यू क्या वाई पे आता है ना, आपका वैल्यू वाई पे आता है, तो रेंज आ जाएगा आपका वाई बिलोंग्स टू, वाई कोऑर्डिनेट सबसे छोटा क्या है, वन बाई ए की पावर में वन बाई ई, तो वन बाई ए की पावर में वन बाई ई से लेकर सबसे बड़ा वैल्यू आपका आकाश लोक तक जा रहा है फंक्शन। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा आपका वन बाई ई की पावर वन बाई ई से लेकर इन्फिनिटी, है ना। वन मत बोल दो ना यार कीर्ति, गलत हो गया, वन से छोटा वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अच्छा, वन बाई ई जो होगा ये वन बाई ई की पावर वन बाई ई, ये वन से तो छोटा ही होगा, ठीक है। एक और सवाल मैं आपके सामने, देखिए मैं लिटरली यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके सामने लिख दूंगा इस पर्टिकुलर ग्राफ ग्राफ को लेके, मिनिमम 100 क्वेश्चन मैं यहीं से बना सकता हूँ।
एक क्वेश्चन और बनाता हूँ। देखिए, अगर मैंने आपके सामने f को डिफाइन कर दिया है कि f जो है वो 0 टू इन्फिनिटी से लेकर 0 टू इन्फिनिटी है, क्लियर है? तो आप बताइए कि फंक्शन इज ऑन टू या इनटू। अरे यार, ऑन टू और नॉट, बस सिंपली ये ना, अभी रिटार्ड अलर्ट हो जाता है फिर से। 1/e की पावर में 1/e आएगा संजना, है ना? एंड गर्जे अगेन 1 गलत है। कीर्ति, आपने भी 1/e करेक्ट करके बोला, बट वो देखो ना उसको यार क्या लिखा है वहां पे, ये देखो तो सही, 1/e की पावर में 1/e लिखा हुआ है, वहां से लेकर इन्फिनिटी। चलिए, तो ये ऑन टू, अब ये अगर मैंने डिफाइन, तो देखो डिफाइन करना क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है। जो भी आपका IIT का या JEE का मेन का पेपर बनाएगा वो उसके ऊपर है भाई कि वो कैसे डिफाइन करना चाहता है। ये क्या है? डोमेन। ये क्या है? कोडोमेन। और इसकी रेंज क्या है बेटा? इस फंक्शन की रेंज है ये। तो क्या रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है? नहीं। क्यों नहीं बराबर? क्योंकि हम लोग आग के अंधे नहीं, हमको दिखाई दे रहा है। बराबर नहीं है अगर, तो आप इसको क्या बोल दोगे? दिस इज नॉट ऑन टू, है ना? आदित्य गर्जे, मार पड़ेगी, ऑन टू नहीं है। यहां से देखो ना, और क्वेश्चंस बना के दू क्या मैं? देखिए, क्वेश्चंस की तो कमी नहीं है, क्वेश्चंस की तो कमी बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज इक्वल टू के हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, फाइंड द रेंज ऑफ के। ठीक है, अब आपकी सहूलियत के लिए मैं के की रेंज जो है ऑप्शंस के तौर पे लिख देता हूं। तो पहली रेंज है 1 से लेकर इंफिनिटी, दूसरी रेंज है 1/e की पावर से लेकर 1/e की पावर 1/e से लेकर इंफिनिटी, तीसरी रेंज के की मैं लिख देता हूं के बिलोंग्स टू 0 से लेकर इंफिनिटी, और चौथा ऑप्शन लिख देते अपन के बिलोंग्स टू 1/e की पावर में 1/e से लेकर 1। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में चेंज करना चाहूंगा, 1/e की पावर में लेकर से मैं 1/e से लेकर 1, और 1 पर मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी क्लोज लगा देता हूँ, और अभी मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ओपन और ओपन। हाँ ठीक है, तो ABCD आर 4 ऑप्शंस, आप मुझे टाइप करके बताइए। अरे 1000 क्वेश्चन बनते हैं एक ही छोटे से कंसेप्ट से, समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको ग्राफ बनाते आता है या आपका कैलकुलस पार्ट क्लियर है तो यूं खट खट सॉल्व करता है बच्चा, फील हो जाता है यहाँ पे आपको कैलकुलस की ताकत। हाँ जी बताइए, ये वाला बता दीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। कीर्ति सिंह, डी, वाई नॉट सी? ठीक है, आपने डी बोला है तो ऑब्वियसली योर आंसर इज करेक्ट। ओके, करेक्ट है आपका, आप आंसर सही है। बाकी लोगों को एकदम पल्ले नहीं पड़ रहा क्या कि कहां से आ जाएगा भाई? देखो आप समझो, ये क्या है, के क्या है? के एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऐसे 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 चल रही है ना? अब वो स्ट्रेट लाइन के दो सॉल्यूशन चाहिए अपने को, तो दो सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे भाई साहब? दो सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे दो सॉल्यूशन। ये जो पिंक वाली लाइन है, ये है आपकी लाइन y = k। तो ये वाला ग्राफ देखो, ये पिंक वाला ग्राफ क्या है? ये वाला k, और ये x की पावर x क्या है? ये व्हाइट वाला ग्राफ। समझ में आ रहा है आपको? तो ये दोनों ग्राफ में आपको दो सॉल्यूशन चाहिए एग्जैक्ट, तो दो बार कट करना चाहिए। दो बार कट कब करेगा? जब वो ऐसे इस पॉइंट से, मतलब ये 1 से e की पावर e के बीच में हो, है ना? अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर निकल गया, ऐसे निकल गया ऊपर, तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, और नीचे निकल गया तो जीरो सॉल्यूशन आएगा। एग्जैक्ट दो सॉल्यूशन कब आएगा? जब आपका y का वैल्यू e की पावर, सॉरी 1/e की पावर 1/e से लेकर, अच्छा 1/e की पावर 1/e पे इंक्लूड नहीं करना है, अगर आपने इंक्लूड कर लिया तो आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। इंक्लूड कर लिया तो देखो ये टच कर रहा है, और अगर ये टच कर रहा है
तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है ना, तो आपको इसको इंक्लूड नहीं करना है, और वन को तो वैसे भी इंक्लूड मत कर लेना, वन को इंक्लूड मत कर लेना, वन पे हॉलो लगा रखा है मैंने, मतलब वन अटेन नहीं हो रहा है, वन से जस्ट थोड़ा सा कम वैल्यू 0.99 अटेन हो रहा है, कहां पर, जीरो प्लस एच पर। ये देखिए जीरो से थोड़ा सा आगे जाओगे ना अगर आप, तो आपको ये वन से थोड़ा सा बड़ा नंबर मिलेगा, थोड़ा सा छोटा, सॉरी एग्जैक्ट वन तो अटेन हो ही नहीं रहा है। तो अगर आपने वन ले लिया तो वन पे आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। अभी क्लियर? तो आपका जो ये पिंक लाइन है वो इसके बीच में होना चाहिए और दोनों पे एक्सक्लूड होना चाहिए। चलो भाई, मेरे ख्याल से ये चीज अपने को समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन भी अपन देखते हैं जो आपको मैंने होमवर्क में दिया था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। तो लिखते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर में 1/x, वेयर एक्स इज पॉजिटिव। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं इसको, है ना। अच्छा, जो कि हवा निकल जाती है क्वेश्चन में। वन को इंक्लूड नहीं कर सकते ना, आपको क्लियर हो गया। अच्छा है, मैंने बता दिया। वन को इंक्लूड करोगे तो क्या होगा ना, आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। देखो, एक यहां से मिल जाएगा बस। ये तो हॉलो है अभी, यहां पर 1 अटेन नहीं हो रहा है, यहां पे 0.99 अटेन हो रहा है ना। तो आपको मिल क्या रहा है, एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं आपको सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन का बोलूं ना, चलो मैं एक और क्वेश्चन बना के देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। x की पावर x इज इक्वल टू k हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन में आपको रेंज क्या रहेगी k की, तो फाइंड द रेंज ऑफ k। तो उसके लिए k की रेंज रहेगी, देखना ध्यान से ना, k की रेंज रहेगी एलिमेंटल 1/3। वन बाई ए की पावर 1/ एलिमेंटल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टचिंग होगा, और टचिंग होगा तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये वाला आपको पॉइंट रखना पड़ेगा। यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या है बेटा, देखो ई की पावर 1/ ए की पावर में 1/ है ना। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो अपन ये वाला जो वन है, यहाँ पर भी आपको वन सॉल्यूशन मिल जाएगा ये वाला, क्योंकि ये वाला सॉल्यूशन थोड़ी ना है, एग्जैक्ट वन को भी इंक्लूड करना, वन के ऊपर तो आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनियन एग्जैक्ट वन से लेकर इंफिनिटी तक आपको हमेशा एक सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। क्लियर है? दिस इज अल्टीमेट लेवल ऑफ नॉलेज जो एक इंसान पा सकता है कैलकुलस से। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन का ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले मैंने इसका डोमेन निकालने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि क्वेश्चन में आपने को बोल रखा है कि डोमेन वन मत निकालो, आप एक्स पॉजिटिव के लिए ग्राफ बना दो, ठीक है। फिर भी आप अगर देखोगे तो इसका डोमेन क्या आएगा, ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। आप जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो यहां पर रखोगे तो इसका पावर जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और बाकी कुछ भी रख दो चलेगा। सेकंड होता है आप डीवाई बाई डीएक्स चेक कर लो, तो डीवाई बाई डीएक्स चेक कर लो कब पॉजिटिव है उतने में इंक्रीजिंग, बाकी में डिक्रीजिंग। तो अपन क्या करेंगे, इसको वाई मान लेंगे, एक्स की पावर 1/x को, एंड वी विल कैलकुलेट वाई डैश। कैसे कैलकुलेट करें, वाई को आप लिख दो, ये आइटम है ना, तो इसको लिख दो e की पावर में ln आइटम। ln आइटम में क्या आएगा, x की पावर 1/x। अभी पावर जो होती है वो पीछे के मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर पीछे के मल्टीप्लाई होगी। अभी क्या लिखा, e की पावर में लफड़ा, e की पावर में लफड़े का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर में लफड़ा इटसेल्फ, जो कि बाद में ये बन जाता है। प्रैक्टिस हो गई होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं की हो तो कद्दू कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बाद में यही बन जाता है ना, तो अभी से लिख देता हूं मैं, इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, लफड़े का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ ln x प्लस ln x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x, तो -1/x2। ओके, तो ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव। आपको चेक करना है कि कब पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। काहे पॉजिटिव है भाई, क्योंकि x पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर के पावर में अगर आप पॉजिटिव नंबर चढ़ाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो आपको बस यही सॉल्व करना है। अच्छा, ये 1/x और 1/x को मैं 1/x2 बोल सकता हूँ, सही है क्या, रोने तो नहीं लग जाओगे? हाँ, तो अपने सामने लिखा है 1 ln x / x2, ये कब कब पॉजिटिव है। अच्छा, मैंने ध्यान दिया कि ये वाला पॉजिटिव चीज को अपन हटा चुके हैं, तो इसको क्यों नहीं हटा रहे भाई, ये भी तो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो ये आ गया आपका डीवाई बाई डीएक्स, ये आ गया डीवाई बाई डीएक्स। एक बात देखना है ना, क्रिटिकल पॉइंट, मैं क्रिटिकल पॉइंट लिख देता हूं यहां पे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पर dy by dx या तो जीरो हो या तो नॉट डिफाइंड हो। देखते जाइएगा प्लीज,
तो कहां पर जीरो है डीवाई बाई डी एक्स? जहां पर न्यूमरेटर जीरो है, मतलब जहां पर एक्स का वैल्यू ई के बराबर है, तो एक्स इक्वल्स टू ई। अब एक्स ई रखोगे तो एल एन ई कितना आएगा? वन आएगा, है ना, एल एन ई वन आएगा। और कहां पर नॉट डिफाइंड है? नॉट डिफाइंड कहां पर है? जहां पर डिनोमिनेटर जीरो, तो डिनोमिनेटर कहां पे जीरो होगा? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा सोचने तो दो आप लोग। ठीक है भाई, डीवाई बाई डी एक्स जीरो पे नॉट डिफाइंड है, तो मेरे को वैसे भी ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए मेरे पास, एक ई और एक जीरो। बस तो आप क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेंगे अपन। तो सबसे पहले आप क्या करो, एफ ऑफ ई निकाल लो। फंक्शन क्या था अपने पास? एक्स की पावर में वन बाई एक्स, ई डाल दो ई की पावर में वन बाई ई। ई पर तो वैल्यू बड़ी आराम से आ गई अपने पास, जीरो पे निकालो आप। तो एफ ऑफ जीरो, फंक्शन क्या था? एक्स की पावर में वन बाई एक्स, रखो वहां पे जीरो की पावर में वन बाई जीरो। ओह हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहे या क्या कहे समझ में नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पे लिमिट निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जीरो की पावर में इन्फिनिटी जैसा कुछ बन रहा है। जीरो की पावर में नॉट डिफाइंड, जीरो की पावर में नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ जीरो नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं, एफ ऑफ एच निकाल लेते। अरे एफ ऑफ एच निकाल लो, तो एच की पावर वन बाई एच, मतलब एच की पावर में वन बाई एच कितना होता है? इन्फिनिटी। बहुत पिद्दू नंबर, पिद्दू नंबर की पावर में इन्फिनिटी मतलब जीरो। तो जीरो पर वैल्यू क्या आ रहा है इसका? जीरो। और एग्जैक्ट जीरो नहीं है ना, अप्रोक्सीमेट जीरो है, अप्रोक्सीमेट जीरो है, क्योंकि आपको जीरो पर तो नॉट डिफाइंड है, तो जीरो पे गड्ढा आएगा। ओके, और क्या बचता है आपके पास? क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ये हो गया, आप इन्फिनिटी पे चेक करना है। शुक्र करो माइनस इन्फिनिटी अभी चेक करना ही नहीं, क्योंकि आपको माइनस नेगेटिव नंबर पे चेक करना ही नहीं ना, सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे निकालना है। तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे चेक करना ही नहीं है, प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाल लेते। फंक्शन क्या है? एक्स की पावर वन बाई एक्स, रखो उसमें इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर में वन बाई इन्फिनिटी। तो कितना आ गया आपके सामने? इन्फिनिटी की पावर में जीरो। क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इन्फिनिटी की पावर में जीरो? यस। वन मत लिख देना, है ना, वन मत लिख देना कि सर एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन ना, दिस इज नॉट एग्जैक्ट जीरो। एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो आपको इसको लिमिट से सॉल्व करना पड़ेगा। ये इनडिटर्मिनेट नहीं था, ये क्या रहा था आपको? जीरो की पावर में इन्फिनिटी। जीरो की पावर में इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई बहुत छोटा नंबर है ये, छोटे नंबर की पावर में आप अगर टू भी डालते हो ना तो और छोटा हो जाता है, थ्री डालने पे तो और छोटा हो जाता है। करके देख लो, 0.5 का स्क्वायर, 0.25 का स्क्वायर, 0.0625 छोटा होते जा रहा है ना, तो स्क्वायर क्यूब करने पे छोटा होते जा रहा है वो, तो इन्फिनिटी करने पे तो जीरो हो ही जाएगा। तो ये इनडिटर्मिनेट नहीं है, ये तो डायरेक्टली जीरो होता है। मैंने आपको उस समय भी पढ़ाया था, कहीं कहीं कॉमन सेंस यूज करना है आपको, अगर आपको ध्यान में नहीं हो तो। ये इनडिटर्मिनेट है, इन्फिनिटी की पावर जो है वो इनडिटर्मिनेट है। तो अगर ये इनडिटर्मिनेट है तो आप क्या करो, इसमें लॉग लेकर लिमिट सॉल्व करो। पहले आप क्या करो, लिमिट निकालो किसका? फंक्शन का। कहां पर इनडिटर्मिनेट आ रहा है? इन्फिनिटी पे, तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर आप क्या करो, इसको आंसर निकालिए। इसका आंसर आप एल मान लो, लिमिट का आंसर एल मान लो, और दोनों तरफ आप एल एन ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो दोनों तरफ मैंने एल एन ले लिया, एल एन एल, एल एन एल। ठीक है, लिमिट अंदर घुस जाती है, ये 1 बाय एक्स लिखा है, तो क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ एक्स की पावर में जो भी आएगा वो पीछे आ जाएगा, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू एल एन लफड़ा। डालो अब यहाँ पे इन्फिनिटी डालो, तो क्या आएगा, एल एन इन्फिनिटी और अपॉन इन्फिनिटी। क्या आपको पता है एल एन इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है? एल एन का ग्राफ अपन 2500 बार बना चुके हैं, एल एन इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, दिख रहा है आपको? और आपने जीरो इन्फिनिटी डाला अगर, तो ऊपर आ रहा है इन्फिनिटी और नीचे भी आ रहा है इन्फिनिटी। नीचे तो एक्स है तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 1 बाई एक्स इंटू एल एन एक्स। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में अपन क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तो एल एन एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है बेसिकली, दिस इज एल एन एक्स अपॉन एक्स। ऊपर लॉपिटल लगाएंगे, एल एन एक्स का डेरिवेटिव, नीचे 1, लिमिट डाल दो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। डालो इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू एल एन लफड़ा। इन्फिनिटी डालोगे तो 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है? जीरो। एलएचएस में आ गया जीरो, दिस इज इक्वल टू एल एन लफड़ा। अपने को लफड़ा निकालना था, तो एल एन कब जीरो होता है? जब लफड़ा बन हो जाए। अबे एल एन लफड़ा, एल एन ऑफ 1 इज जीरो, है ना? तो लिमिट का वैल्यू क्या आ गया? 1। ये किसका वैल्यू है? इन्फिनिटी पर। जो इन्फिनिटी पर वैल्यू है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है।
इन्फिनिटी पर वैल्यू 1 आ रहा है, आप अपन ग्राफ बना सकते हैं। यहां तक आप लिखो पहले, ग्राफ बनाना बेहद आसान है। इन्फिनिटी पर वैल्यू 1 आ रहा है, सोचो जब अपन एक्स एक्सिस में बहुत आगे निकल जाएंगे तब अपने को वैल्यू 1 मिलेगा, मतलब आपका ग्राफ जो है ना आगे जाके ऐसे 1 पे चिपक जाएगा, ऐसे आगे जाएगा और 1 पे चिपक जाएगा। फील हो रहा है? क्यों? क्योंकि बहुत इन्फिनिटी पे आगे जाओगे तो आपको आंसर 1 ही मिलने वाला है, तो हल्का सा फील होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोटिक होगा। ये भी कोई बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, बट बहुत मुश्किल भी नहीं है। देखते जाइए, सबसे पहले आपको बनाना किसके लिए ग्राफ, एक्स पॉजिटिव के लिए। एक्स पॉजिटिव में आप देख लो जीरो पर क्या वैल्यू है, जीरो पर वैल्यू है जीरो, तो जीरो पर जीरो आ रहा है, एग्जैक्ट जीरो नहीं आ रहा है इसलिए मैंने हॉलो करा है। एग्जैक्ट जीरो थोड़ी आ रहा है, अप्रोक्सीमेट जीरो आ रहा है, एग्जैक्ट जीरो पर तो गड्ढा आएगा, मतलब जीरो मतलब आपका ग्राफ यहां से चालू होगा। इंक्रीजिंग देखते हैं, अच्छा मैंने इंक्रीजिंग चेक ही नहीं करा ना, पॉजिटिव यहां लिख देता हूं मैं, ये नीचे पॉजिटिव नंबर है इसको हटा दो, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ln x इज पॉजिटिव, मतलब 1 इज ग्रेटर देन ln x, या ln x इज लेस देन 1 लिख दो ना, ln x इज लेस देन 1 एक ही बात है, 1 ग्रेटर देन ln लिखो या ln ग्रेटर देन, वीडियो बंद हो गया है और ऑडियो रन हो रहा है, देख लेने दो भाई क्या दिक्कत है। मेरे ख्याल से आपको एक बार रुको मैं कुछ करता हूँ, विल डू समथिंग। ओके देखते हैं, अगर आपको वीडियो नहीं दिखाई देता तो मैं इसको पॉज करके दोबारा से रीस्टार्ट करूंगा। ओके मैं क्लोज करता हूँ, अपने को फिर से क्लास लेनी पड़ेगी।